अमेरिका से जो सेब आ रहे हैं उनके उनपे जो टैक्स है वो 35% से शायद 15% घटा दिए, तो यहाँ जब नुकसान है और यहाँ के जो सेब के किसान है वो जब पीड़ित है तो उनकी मदद करनी चाहिए या अमेरिका के? कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को कि हिमाचल जूझ रहा है दैवीय आपदा से, तो उनके ऊपर ये चाबुक न चलाया जाए। सिर्फ जम्मू कश्मीर की रियासत ही नहीं, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब पे इसका असर पड़ेगा। यहाँ के ग्रोवर्स को मारना चाहते हैं। नहीं देखिए, तो मेरे ख्याल समझती हूँ बहुत बड़ा मजाक है प्राइम मिनिस्टर का, जो वो कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, खुद कफील हिंदुस्तान, तो ये तो उसके ऊपर तमाचा है। अमेरिका से जो सेब आ रहे हैं उनके उनपे जो टैक्स है वो 35% से शायद 15% घटा दिए, तो इसका मतलब है कि उनका जो आयात है वो आसान हो जाएगा और वो आसानी से बिकेंगे। और दूसरा उल्टा इस तरफ शिमला में जो सेब की पेटियां हैं उनको खरीदने का दाम जो कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने कम कर दिया है, तो यहाँ जब नुकसान है और यहाँ के जो सेब के किसान हैं वो जब पीड़ित हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए या अमेरिका के किसानों की? तो सीधी सी बात है, उनको यहाँ पे मदद करनी चाहिए और इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय जो सही दाम है वह मिलना चाहिए सबको, किसानों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में। करीब 60% सेब सारा जम्मू कश्मीर में होता है, करीब 25-30% होता है हिमाचल में और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में। आप यह सोचिए कि हिमाचल जो एक दैवीय आपदा से जूझ रहा है, जहां पर 10,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान अभी तक हो चुका है, जहां पर सरकार और लोगों को जरूरत है सहायता की, जरूरत है सहृदयता की, वहां पर 5 लाख से ज्यादा वो लोग जो सेब उगाते हैं उनके साथ नाइंसाफी करने का काम मोदी जी ने किया है। हिमाचल की जीडीपी का करीब 14% हिस्सा सेब से आता है, सेब के बागानों से, सेब उगाने वालों से। और एक ये भी बात सच है कि हिमाचल में करीब 3,60,00,000 डब्बे सेब के हर साल पैक होते थे। वो इस आपदा की वजह से, बारिश की वजह से, बेमौसम जितनी आपदा ये हो रही है, जितनी त्रासदी हो रही है, वो ऑलरेडी घटकर करीब करीब 1,90,00,000 पर आ गया, आधे से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को कि हिमाचल जूझ रहा है दैवीय आपदा से, तो उनके ऊपर ये चाबुक ना चलाया जाए, उनके सेब के बागानों पर ये प्रहार ना किया जाए, वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी ना घटाई जाए। ये साल भी ट्रांसपोर्ट के इशू, और आज जो G20 में कुछ रियायतें दी गई है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को कि जो इम्पोर्ट यहाँ पर वहाँ का एप्पल होगा, वॉलनट होगा, ये एक मिजरेबल स्टेप है। आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत सही आपने कहा कि G20 में जो कंसेशन दिए गए ये नहीं देखा गया कि हमारी इकोनॉमी पे उसका असर क्या पड़ेगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर की रियासत ही नहीं, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब पे इसका असर पड़ेगा। हम लोग सेब प्रोड्यूस करते हैं, मेजर इकोनॉमी हमारी वो है, और वॉलनट्स भी पहले भी इनने ये किया था, अमेरिका से आते थे, आज इनने फिर से ये कंसेशन अमेरिका को दिया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को खुश करने के लिए वो यहाँ के ग्रोवर्स को मारना चाहते हैं। मैं आपकी वसासत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूंगा, वो कदम मत उठाइए जिससे कि पहले जो यहाँ गुर्बत है वो और बढ़ जाए और लोग एक और मुसीबत में फंस जाएं। यहाँ हम कई सालों से मुसीबत में फंसे हुए हैं और ये और एक वार उनके ऊपर है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के बारे में जो आपने कहा, सही बात कही आपने, पिछले साल हमारा सेब गाड़ियों में सड़ गया क्योंकि इनको इजाज़त नहीं दी गई, नेशनल हाईवे पे इनको रोका गया, कई दिनों तक रोका गया। हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट तो है नहीं कि ये एयर कंडीशन जो है कूलर्स में जाएं, और नॉर्मल गाड़ियों में जाता है ये। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस साल इनने ये कहा है कि इस साल ये फ्रूट ग्रोअर्स के लिए आसानी करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी। हम भी इसकी तरफ नज़र रखे हुए हैं, और अगर हुआ, इन्होंने उसको नहीं किया और इनके लिए आसानी नहीं की, तो हम लोग उतर आएंगे मैदान में और इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, बहुत बड़ी हिम्मत से एहतजाज करेंगे।
नहीं देखिए, ये तो मेरे ख्याल समझती हूँ बहुत बड़ा मजाक है प्राइम मिनिस्टर का, जो वो कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, खुद कफील हिंदुस्तान। तो ये तो उसके ऊपर तमाचा है। यहाँ की जो फ्रूट इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, बिलखसूस हिमाचल पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, मगर जम्मू कश्मीर चूंकि पिछले 30-40 साल से बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और ऐसे में फ्रूट इंडस्ट्री वाहिद ऐसी इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे पास तो कोई और इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, तो यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने जम्मू कश्मीर के को जिंदा रखा इन सालों में। और यही वजह है कि जब मुफ्ती साहब वजीर आला बने तो उन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए जैसे टोल टैक्स माफ कर दिया, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की, यहाँ बहुत सारी मंडियाँ उसकत बनी, हाई डेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया कि ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आमदनी का जो जरिया है वो न सिर्फ बरकरार रहे बल्कि और भी ज़्यादा बेहतर हो। मगर मैं समझती हूँ कि आज मोदी जी ने बाइडेन साहब को खुश करने के लिए उनको एक जाते हुए किसी को देते ना गिफ्ट, तो वो गिफ्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के खून पसीने और आंसुओं में लतपत वो गिफ्ट दे रहे हैं उनको। इससे हमारी मईशत को बहुत नुकसान होगा और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल भी हमारे फ्रूट से लदे हुए ट्रक रास्ते में कई दिन तक हॉल्ट करते रहे, जब वो फ्रूट हमारा ख़राब हो गया, जो फ्रूट 1400 रुपये पेटी जाना था वो उसको 200 रुपये भी मंडी में नहीं मिला, यानी कि उसके बाद कई लोगों ने अपना फ्रूट सड़कों पे फेंक दिया। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार की एक ही साजिश है कि जो हमारी मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है, फ्रूट है, उसको ख़त्म किया जाए और यहाँ लोगों को सिर्फ एक चीज़ की तरफ रखा जाए, टूरिज्म, ताकि टूरिज्म का कंट्रोल उनके हाथ में रहे। वो जब चाहे टूरिस्ट आएगा, जम्मू कश्मीर के लोग खाना खाएंगे, जब वो चाहेंगे टूरिज्म का नलका बंद कर देंगे।